प्रकाशित किया अपने उपदेश के माध्यम से, अपने आदर्शों के माध्यम से। मित्रों, भगवान बुद्धि के प्रति और बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के पूरे जीवन चरित्र को, पूरे उपदेशों को पढ़ा, समझा, उसे आत्मसात किया और इस बात की प्रासंगिकता पर उन्होंने जोर दिया कि जब तक शिक्षा से हम आगे नहीं आते हैं, तब तक समाज में हमारी भागीदारी, हमारी स्वामीगिरी और हमारी शास्त्रीयता नहीं बन पाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि आज हम मजदूर बनने की बात न करें, हम मालिक बनने की बात करें, हम ऐसे शिक्षक की बात करें, ऐसे शिक्षा से आया पुरुष सुनिश्चित करने की बात करें जो आपको मजदूर नहीं बनाता हो, जो आपको मालिक बनाता हो। बाबा साहब संघर्ष मजदूर बनाने के लिए नहीं किया था, बल्कि हमें स्वामी बनाने के लिए किया था, मालिक बनाने के लिए किया था। ऐसी शिक्षा जो केवल आपको सामान्य स्तर पर ले जाती हो, ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए से ज्यादा जरूरी है ऐसी शिक्षा जो शीर्ष पदों पर ले जाती हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिकता का क्षेत्र हो, चाहे वो शासन का क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो। आवश्यकता इसी बात की है कि ऐसी शिक्षा को ले जाए, ऐसी शिक्षा को आप ग्रहण करें जो शिक्षा आपके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। और जो 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 स्थिति आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने, समाज के पहले पीढ़ी के लोगों ने भुगती थी, वो स्थिति नहीं आए। लेकिन ये करना कोई आसान काम नहीं है। भगवान की उस वाणी को मैं उद्धृत करता हूँ, सुकरानी असाधनी अत्पन्न महितानि च वमते हितश्च साधुश्च कमरे परम पुत्रम। कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल होता है और बड़े काम करने के लिए दुख भी उठाना पड़ता है। इसलिए अगर नाम पूरे समाज में शीर्ष पदों पर जाना है, सामाजिक दायरे में अपना वर्चस्व दिखाना है, तो उसके लिए आपको शुरुआत में संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्रांति करनी ही पड़ेगी। भगवान बुद्ध द्वारा निर्देशित बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें होती है, मुझे भी दुनिया के 50 साल देशों में जाने का मौका मिला। बाबा साहब के जो पक्ष है वो शिक्षा का पक्ष तो है ही है। शिक्षा में जो उन्होंने कामयाबी पाई, और न केवल दलित समाज को यह सिखाया कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सर्वोच्च पद पर जा सकता है, बाबा साहब ने देश की संस्कृति का भी बड़ा बदला किया, बहुत बड़ा बदला। अगर हम ये कहते हैं कि शिक्षा समाज का दर्पण है और संस्कृति राष्ट्र की चेतना, मैं सनक को भी कुछ देर पहले भी किसी वक्ता ने कहा कि संस्कृति बहुत जरूरी है। कैसी संस्कृति? वह संस्कृति समरसता की संस्कृति, वह संस्कृति सम्यकता की संस्कृति, वह संस्कृति आपके समृद्धि की संस्कृति। और इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध के धन को अपनाकर भारत से भागी संस्कृति, विस्मृत संस्कृति, उसे फिर से पुनर्स्थापित किया। और आज उद्धव शरणम का जय घोष पूरे भारत में होता है, और भारत में इस जय घोष की वजह से पूरे विश्व में बाबा साहब को जानते हैं। जहाँ जहाँ बौद्ध के वचन को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उस पर बात की जाती है, वहाँ वहाँ बाबा साहब के नाम को जानते हैं। इसलिए बौद्ध मानव है, बौद्धों के लिए बाबा साहब एक साधारण मनुष्य नहीं, एक साधारण इंसान नहीं, वो भी सब जिन्हें 2500 साल पहले जैसे पूरे समाज को बौद्धकालीन इतिहास का अगर आप अध्ययन करें, तब ऐसी जातीय व्यवस्था नहीं थी, ऐसा कुविचार नहीं था, ऐसा घोर अपराध नहीं था। आप देखिए सम्राट अशोक के समय में या बाद के कुछ वर्षों में, कुछ 100 वर्षों में
भारत में, जब नालंदा विश्वविद्यालय था, जब तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जब उदयपुरी था, जब बहादुर था, जब जब बौद्ध संस्कृति का अभिवृद्धि और विकास इस आर्यावर्त भारत की धरती पर रहा है, तब तक में अन्याय हुआ, क्योंकि तब बुद्धि का विकास होता है, और बुद्धि का विकास हो जाता है तो व्यक्ति कभी अन्याय नहीं करता। और आप ये देखिए, मैं इस बात का संज्ञान आपको देना चाहता हूँ कि शिक्षा में सबसे ज्यादा गरीबों ने सहयोग किया। आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण कौन करता था? वहाँ के स्थानीय 200 गांव से जो अन्न का उत्पादन होता था, उसमें जो मजदूर थे, जो कामगार थे, वो अपने श्रम से, धन से, मन से, जन से नालंदा विश्वविद्यालय के प्रबंधन का भाग लेते थे। अलाजी तत्कालीन मौर्य राजाओं ने सम्यक योगदान दिया। इसलिए हमारे लोगों ने शिक्षा सबसे पहले भी माना था, लेकिन जब से हमारी संस्कृति का विलोप हो गया, भारत की भूमि से इसे भगा दिया गया, तब से ये अन्याय की शुरुआत हुई। इसलिए बाबा साहब ने शिक्षा को किया, शिक्षा के सर्वोच्च शिखर पर रहे। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि जहाँ जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा को प्राप्त किया, शिक्षा दिया, वहाँ वहाँ मुझे जाने का मौका भी बहुत बार के सालों में मिला। शिक्षा की बात होगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने भारत की संस्कृति को समृद्ध बनाने में काम किया, तो वो भी भीमराव अंबेडकर। अगर बाबा साहब नहीं होते, भारत से बहुत खत्म हो गया होता। और आप जब अभी पूर्वी एशिया देशों की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, राजनीतिक संबंधों की बात करते हैं, आज वो राजनीतिक संबंध इतने सुदृढ़ नहीं होते जो बौद्ध धर्म के कारण है। इसमें भी बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान है। मित्रों, बौद्ध धर्म केवल एक 5-10 देशों तक सीमित नहीं है। आप जाइए अर्जेंटीना से लेकर के गयाना से लेकर प्रदास से लेकर कनाडा से लेकर के न्यूजीलैंड तक, और पूरे के पूरे ये पश्चिम एशिया, चाहे वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, ये सारे के सारे हमारे स्वाभाविक मित्र हैं। इनके साथ हमें राजनयिक प्रयास बनाने के लिए बहुत श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वभाव का हमारे मित्र है। बुद्ध ने कहा और उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी को अपने साथ लेना है तो आप मित्र बनाओ। और बाबा साहब ने क्रांति जरूर की, क्रांति के सारे काम को किया, लेकिन प्रथम जब हमारा विश्व बौद्ध सम्मेलन हुआ तो श्रीलंका में उन्होंने जाकर किया, जो वचन दिए उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा, और उस उद्धृत को पाली में मैं कहना चाहूंगा कि न अजेत पाप के मित्ते, न भजेत परिषाद में, भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत मित्रों मित्र बनाइए, लेकिन जो आपका कल्याण करता हो। आज आपके मित्र बनने के लिए पता नहीं सारे लोग तैयार हैं, हर लोग बाबा साहब को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, मित्र को बनाइए, लेकिन जो आपका कल्याण करता हो, आपको अपने मार्ग से विचलित करता हो, उसे मित्र बनाने में आप जरूर सोचें। इसलिए बाबा साहब के उस सांस्कृतिक दृष्टि के प्रति भी मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं, और मैं इस बात के लिए भी आप सबों को आंदोलित करता हूं, प्रेरित करता हूं कि शिक्षा के साथ साथ उनकी संस्कृति को भी देखिए, बुद्धि को भी देखिए, विकास को भी देखिए। हालांकि भगवान बुद्ध ने बहुत पहले कहा, कैसी शिक्षा? वो शिक्षा जो केवल आपको रोजगार देती है, वैसी शिक्षा जो केवल आपको समाज में बैठने का अधिकार देती हो, या ऐसी शिक्षा जो आपको जीवन में श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देती हो? उसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा, ममता निकों से तो सच्चा चतुरुपदो, विराग से मानव आज के इस अवसर पर मैं
सबसे पहले आयोजकों को साधुवाद देता हूँ और जानना करता हूँ ऐसे समारोहों से, ऐसे परिवेशों से एक ऐसा संदेश जाना चाहिए जो भगवान बुद्ध के द्वारा उत्पादित संदर्भों को जिस परिप्रेक्ष में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया उसे फिर से परिमाणित किया जाए, उसे फिर से स्थापित किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। लेकिन हम किसी दूसरे को बुद्ध ने कहा न परिश्रम विरो मानी न परिश्रम कथा बनता दूसरे लोग कर रहे उसे कदापि मत कहिए, जो आपको सूट करे वो काम करिए। इसीलिए बुद्ध ने कहा आप सब अपना मालिक बनिए, आप किसी को मास्टर अपना बनने नहीं दो, सब अपना मास्टर बनो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं इस बात को भी कहता हूँ कि जिसे आपको समझकर बुझा दिया तुमने, जिसे आपको समझकर बुझा दिया तुमने, उसी चिराग को जलाओ। इन्हीं सारे शब्दों के मंगलम जय जय भारत साधु साधु साधु।